बजरंग टीवी, कहानी पुराणों की, ज्योति आस्था की। राम राम राम। दोस्त बानर, यहां आकर मेरे जाप में बाधा टालने का दोस्त साहस कैसे किया तुमने? ये कैसे संभव है? नवग्रह मुक्त हो गए। अब मेघनाथ की मृत्यु निश्चित है रावण। मेरा पुत्र मेघनाथ संकट में है। आशा करता हूं हनुमान ने मेघनाथ की शक्ति के स्रोत को ढूंढकर उसे नष्ट कर दिया होगा। इंद्रास्त्र इसका सुरक्षा कवच भेज चुका है, इसका अर्थ हनुमान अपने कार्य में सफल हुए। अब समय आ गया है मेघनाथ की मृत्यु का योग संपन्न करने का। इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध इस दुष्ट का मेरे इंद्रास्त्र से हताहत होना मेरा सौभाग्य होगा। बुझ गया मेरे पुत्र मेघनाथ का जीवन दीपक। कल युद्ध में विजय प्राप्त करके लौटेगा आपका ये पुत्र इंद्रजीत। आपके ही भांति प्रतिशोध की अग्नि मेरे हृदय में भी धधक रही है और आपका विश्वास माने हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत है ये मेघनाथ कुछ भी करने के लिए। आप निश्चिंत रहिए पिताश्री, मैं अभी जाकर यज्ञ विधि प्रारंभ करता हूं। नवग्रह अवज्ञा करने का दुस्साहस किया तुमने।
गुरु शुक्राचार्य, आपने भी इनका साथ दिया। राहु और केतु के साथ मिलकर आपने भी मेघनाथ की कुंडली में अपना स्थान परिवर्तित करने के इनके षड्यंत्र में सम्मिलित थे। इसका विचार तुम्हें अपने गुरु को बंदी बनाने के पूर्व करना चाहिए था रावण। विचार तो अब आप सब करिए उस भयंकर दंड का, तो अभी रावण आपको देगा। तुम हमें क्या दंड दोगे लंकेश? वह दशा को संशोधित करने का दंड तो तुम पा चुके हो। अब तुम हमें क्षति पहुंचाने के लिए असक्षम हो। अब ना ही हम तुम्हारे बंदी हैं और ना ही आदीन। हनुमान ने हमें तुम्हारे प्रभाव से मुक्त कर दिया रावण। अब हम पर तुम्हारा कोई वश नहीं, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। हनुमान ने हमें तुम्हारे प्रभाव से मुक्त कर दिया रावण। राम 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 राम। तू छिपाना छिपाना। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा वानर। मेरा वध करने का अवसर तुम्हें युद्ध भूमि में प्राप्त होगा रावण। अभी जाकर अपने दिवंगत पुत्र के अंतिम क्रिया की व्यवस्था करो। अधर्म की ओर से युद्ध अवश्य कर रहा था मेघनाथ, परंतु प्रभु श्री राम की युद्ध मर्यादा के अनुसार प्रत्येक योद्धा सम्मान का पात्र है। उसके शरीर को चील कौओं का आहार मत बनने दो रावण। लंकेश, व्यर्थ है अब इस बुझे हुए दीपक और रिक्त कुंडली को देखना। साहस है तो जाओ अपनी रिक्त सभा को देखो। रावण, देखो उन विधवाओं के भाव शून्य नेत्र जिन्होंने तुम्हारे कारण अपने पति को खो दिया। उन माताओं से दृष्टि मिलाकर देखो लंकेश, जो तुम्हारे इस अधर्म युद्ध में अपने पुत्रों की मृत्यु पर विलाप कर रही हैं। मैंने कहा था ना दशानन, युद्ध होगा तो कोई शेष नहीं रहेगा, परंतु तुमने अपने अहंकार के सिवाय किसी एक की भी न सुनी। लंकेश, अहंकार सदैव सर्वनाश की ओर ले जाता है, उस पर विजय पाना ही सबसे बड़ी वीरता है।
लंकेश, अभी भी सुधार लो अपनी भूल। जो शेष बचा है उसकी रक्षा कर लो। क्षमाशील प्रभु श्री राम अभी भी तुम्हें क्षमा कर देंगे। स्वयं को महाज्ञानी, महायोद्धा, त्रिलोक विजेता कहलाने वाले लंकेश रावण, यही तुम्हारा निर्णय है तो प्रभु श्री राम के हाथों अपनी पराजय के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि जो अपने अहंकार को तजकर विनय अंगीकार नहीं कर सकता, वो जीवन के युद्ध में कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अपनी पराजय के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। क्योंकि जो अपने अहंकार को तजकर विनय अंगीकार नहीं कर सकता, वो जीवन के युद्ध में कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अंततः पापी को उसके पापों का फल प्राप्त हो ही गया। परंतु आपकी सहायता के बिना यह संभव नहीं था। नहीं भ्राता लक्ष्मण, इसके वध का श्रेय तो आपके युद्ध कौशल और महाराज विभीषण के मार्गदर्शन को ही जाता है। परंतु अब हमें शीघ्र जाकर प्रभु श्री राम को यह शुभ समाचार देना चाहिए। जय श्री राम। मान लग्यो पुर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। ले गृह बैठ सुषेण समेत अभय गिरि द्रोण सुबीर उबारो। नानी सजीवन हाथ गई तब लक्ष्मण को तुम प्राण उबारो। आज इन तीनों ने अपने शौर्य से प्रभु श्री राम को एक बड़ी विजय दिलवाई और रावण को ऐसी पराजय का सामना करना पड़ा है जिससे उसका हृदय द्रवित हो उठा है। धर्म अपना मस्तक कितना भी ऊंचा क्यों ना उठा ले, धर्म के सामने आने पर उसे झुकना ही पड़ता है। और जो मस्तक धर्म के समक्ष नहीं झुकता वे अततः कट ही जाता है। मेरे पुत्र,
जीवन भर तूने अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य रखा, तो आज मेरी आज्ञा का भी पालन कर ले। लौटा मेघनाथ। अब अपना मुंह क्यों फेर रहे हैं महाराज लंकेश? देखिए इधर, देखिए, जब अपने सभी सगी संबंधियों को अंतिम संस्कार देते देते आपकी बीसों बुझाई नहीं थकी, तो आज मेघनाथ को मुखाग्नि देने के विचार से क्यों विचलित हो रहे हैं आप? देखिए अपनी नगरी को दशानन, संपूर्ण लंका में सभी स्त्रियां पति विहीन हो चुकी है, मात्र दो ही सुहागन शेष बची है इस लंका में, एक मैं और दूसरी सीता। और मुझे भय कि आपके अहंकार के कारण कहीं मेरा सुहाग भी मुझसे ना छिन जाए। हनुमान के जलाने से नहीं, आपके जलाने से जल रही है ये लंका, पल पल आपके अहंकार की अग्नि लील रही है उसे, उसी ने मेरे मेघनाथ की आहुति भी ले ली। आज तक तुम्हारे आगे कोई भी शत्रु नहीं टिक सका। देवताओं को भयभीत करने वाले, इंद्र को जीतने वाले मेरे पुत्र, मेरे महापराक्रमी पुत्र, तुम्हें तुच्छ नर के हाथों नहीं, असंभव है ये, असंभव है। तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते मेरे पुत्र। देखो, तुम्हारी मां मुझ पर कैसा आरोप लगा रही है। लौट आओ मेरे पुत्र, लौट आओ। आ गए हनुमान। महाराज विभीषण और लक्ष्मण जी के साथ लौट आए। हनुमान, भैया आपके आशीर्वाद से हम सफल हुए। मेरे कुटिल भ्राता के दुष्ट पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ का वध देवराज इंद्र के इंद्रास्त्र से ही हुआ है प्रभु, और इसका श्रेय जाता है संकट मोचन महाबली हनुमान को। मुझे
मुझ पर ये दोषारोपण कैसे सह सकते हो मेरे पुत्र? उठो मेघनाथ, उठो, उठो मेघनाथ, उठो इंद्रजीत, जागृत हो जाओ मेरे पुत्र। अब ये कभी नहीं उठेगा लंकेश। राम के अनुज लक्ष्मण के हाथों इसकी मृत्यु हो चुकी है। लंका के अन्य योद्धाओं की भांति मेघनाद की मृत्यु का कारण भी तुम हो रावण। नहीं, मैं नहीं हूं। उसकी पूजा के मध्य इसका सहार करने के लिए अपने अनुज को भेजने वाला वो वनवासी है, इसका उत्तरदायी। वनवासे, तुम और तुम्हारे अनुज तहत संपूर्ण वानर सेना का संहार कर दूंगा मैं। व्यक्ति का अहंकार और स्वार्थ उससे उसके अपनों को छीनकर उसे अकेला बना देता है।